कहते हैं अंत भला तो सब कुछ भला। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने क्लोजिंग सही से की है तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो परिणाम में परिवर्तित हो जाएगी, और हर कोई परिणाम चाहता है। इसलिए आज मैं आपको क्लोजिंग के टाइम पे होने वाली 6 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द 6 मिस्टेक्स जो आपको कभी नहीं करनी है। अगर ये 6 गलती आपने जान ली और अगर इन गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया तो आपका जो ज्वाइनिंग रेशियो है ये बढ़ने वाला है, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। और यही चीज़ें अगर आपने अपनी टीम में सिखा दी तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में एक बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहली गलती जो आप कर सकते हैं वो है आप अपने प्रोस्पेक्ट का इंसल्ट करना। देखिए, प्रोस्पेक्ट जो है ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कस्टमर जो है वो हमेशा टेढ़ा होगा। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कस्टमर हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि कस्टमर जो है वो हमेशा टेढ़ा होगा, वो एकदम सीधा नहीं होगा। तो मुझे उल्टे पुल्टे सवाल पूछेगा, मुझे बिना मतलब के सवाल पूछेगा, वो किसी दूसरे का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेगा, किसी दूसरी कंपनी का अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकता है, किसी दूसरी प्रोडक्ट की नेगेटिव चीज़ें भी मुझे बता सकता है। वो मुझे ये भी बता सकता है कि आप गलत काम करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग तो चेन सिस्टम है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है, सब कुछ बता सकता है। लेकिन मुझे किसी भी हालत में गुस्से नहीं होना है। अगर मैं गुस्सा हो गया, अगर मैंने एंगर दिखा दिया, अगर मैंने उसका इंसल्ट कर दिया, तो इस केस में किसी भी हालत में आप क्लोजिंग कर नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बार उसका इंसल्ट हो गया, उसका सम्मान को अगर आपने ठेस पहुंचा दिया, तो वो व्यक्ति आपके साथ जिंदगी में कभी नहीं जुड़ेगा। हो सकता है वो आपकी कंपनी ज्वाइन कर सके करे या फिर वो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ जुड़े, लेकिन आपके साथ वो कभी नहीं जुड़ेगा। तो यहां पर आपको दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अगला व्यक्ति ना ही जुड़े आपके साथ, लेकिन आपको उसके साथ किसी भी रूप में गलत व्यवहार नहीं करना है। इस चीज को आपको सबसे पहले याद रखना है। मिस्टेक नंबर 2, एंड दिस इज वेरी बिग मिस्टेक, आज के फॉलोअप को कल के ऊपर टालना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फॉलोअप करने जाते हैं और उसको दूसरी मीटिंग के ऊपर टाल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आप ऐसा करते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप जो है वो फॉलोअप करने से डरते हैं, या फिर आप नेगेटिव रिजल्ट से डरते हैं। आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 10 लोग को प्लान दिखाएंगे, 5 लोग जुड़ेंगे, 5 लोग नहीं जुड़ेंगे, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ना से घबराएंगे तो आप जो है उसको अगली मीटिंग, फिर अगली मीटिंग, फिर अगली मीटिंग, फिर मीटिंग के बाद मीटिंग, इसको आप पीछे धकेलते जाएंगे और फाइनली 2-3 बार मिलने के बाद आपको भी इस व्यक्ति को मिलने में इंटरेस्ट नहीं होगा और उस व्यक्ति को भी आपको मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। तो जब तक आप हो सके तो ऑन द स्पॉट फॉलोअप कीजिए। जब भी आप मिलते, आप सोच के जाइए कि मुझे इनको ज्वाइन कराना है, इसी वक्त ज्वाइन कराना है। जो बात मैं कल बता सकता हूँ वो आज भी बता सकता हूँ, जो इनके डाउट कल सोल्व कर सकता हूँ वो आज भी कर सकता हूँ। आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास रखिए, और मीटिंग को अगली मीटिंग में कभी मत धकेलिए। क्योंकि ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो आपकी जो डाउनलाइन है वो भी धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे। वो समझ जाएंगे कि आप आते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते, फिर दूसरी मीटिंग, तीसरी, चौथी, फिर रिजल्ट आता नहीं है। इसीलिए मीटिंग को आगे नहीं धकेलना है, उसी वक्त आपको फाइनल करना है। इस माइंडसेट के साथ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गलती है कि हम मीटिंग को अगली मीटिंग में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिलेंगे, फिर एक बार मिलेंगे, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 3, और ये है कि एक ही डायरेक्शन में फॉलोअप करना। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़े, तो आपको उनके लिए दोनों ऑप्शन खुले रखने चाहिए। आप उनको जब डिसीजन पूछते हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि ये डिसीजन उनका है, ना कि आप उनके ऊपर डिसीजन थोप रहे। और ये गलती 90% लोग करते हैं। वो बोलते हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आप शुरू कर दीजिए। अरे सर कुछ नहीं, शुरू कर दीजिए, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, बस आप इस फॉर्म को भर दीजिए, अरे करना ही है आपको। तो यहाँ पर आप प्रेशर करना शुरू कर देते हैं। आप उनके लिए हाँ और ना दोनों रास्ते खुले रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नो का रास्ता बंद कर देंगे, सिर्फ यस के डायरेक्शन पे आप चलाएंगे, तो अगला व्यक्ति जो है वो अपना दिमाग बंद करके बैठ जाएगा और उसको लगेगा कि ये जो डिसीजन है मेरा डिसीजन नहीं है, ये तो इनका डिसीजन है, ये मुझे कराना चाहते हैं। तो आपका जो फॉलोअप है वो वन वे डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। आप उनको डिसीजन पूछिए और उनके लिए दोनों रास्ते खुले रखिए। अगर आप रियल में 10 में से 5 लोग को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कि आप डिसीजन पूछे और दोनों रास्ते उनके लिए खुले रखे, आप उनको सफोकेशन फील ना कराए, आप उनको प्रेशर फील ना कराए, आप उनको यस और नो दोनों रास्ते खुले रखेंगे तो वो व्यक्ति खुद अपने आप से डिसीजन लेगा। और जब तक खुद डिसीजन नहीं लेगा तब तक वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 4 और ये है कि डाउट सोल्व करने से पहले आप उसे डिसीजन पूछ लेते हैं। देखिए, जब आपने प्लान दिखा तो लास्ट में उनके मन में कुछ डाउट हो सकते हैं, कुछ सवाल हो सकते हैं, तो डिसीजन पूछने से पहले सवाल क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको क्लियरली पूछिए कि आपके मन में कुछ भी डाउट है, या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको फिर से समझाऊँ। तो अगर वो कुछ बताते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया या फिर मुझे वो समझ नहीं आया, उन डाउट्स को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे सर ये सब छोड़िए, आप सीधा बताइए आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। नेवर, नॉट पॉसिबल। जब तक उनके मन के डाउट सोल्व नहीं होते तब तक उनको डिसीजन पूछना ही नहीं है। सारे डाउट सोल्व करने के बाद फिर एक बार आप फिर से पूछिए कि इसके अलावा कुछ भी है जो आप जानना चाहेंगे, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब प्रोस्पेक्ट ये बोलते हैं हाँ सब ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है, तब वो डिसीजन लेने के लिए तैयार होता है। और जब आपने उसके सारे डाउट सोल्व किए तो अब उसको डिसीजन भी लेना पड़ेगा। तो डाउट्स सोल्व करने से पहले डिसीजन नहीं पूछना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 5, नॉट आस्किंग द डिसीजन। ज़्यादातर लोग डिसीजन पूछते ही नहीं है, वो बस बोलते जाते प्रोस्पेक्ट को गर्म किए जाते, एक स्टोरी सुनाते, दूसरी स्टोरी सुनाते, एक एग्जांपल ये वो, अरे बढ़िया है, ज़बरदस्त है, इसने ऐसा कर दिया, उसने कर दिया, लेकिन उसको पूछते ही नहीं है कि भाई साहब आपको इस बिज़नेस को ज्वाइन करना है कि नहीं, क्या आप अपनी ज़िंदगी में एक फैसला लेना चाहेंगे, क्या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे, ये अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना चाहेंगे, क्या हमारे साथ शुरुआत करना चाहेंगे, आपके सामने दोनों रास्ते खुले या सोरनो, आप कौन सा फैसला लेना चाहेंगे। ये सारे तरीके हैं डिसीजन पूछने के, लेकिन मैंने कई सारे लोगों को देखा वो डिसीजन पूछते नहीं है और वो क्या करते हैं, मोटिवेट करके छोड़ देते हैं। और वो जो डाउनलाइन है, जो बंदा है जिसका प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है ये बंदा रेडी है, तुम अब इसको ज्वाइन करा देना। अब ये तो नया आदमी, इसको कुछ पता नहीं, तो वो उसके पास जाके बोलते हाँ भाई सब कैसे करेंगे, अगला बोलता है ठीक है अगले बुधवार को कर लेंगे, ये बोलेगा ठीक है, इसको इस ऑब्जेक्शन को टैकल करने का नॉलेज ही नहीं है। और आपके सामने तो ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं जब तक आप डिसीजन नहीं पूछेंगे। तो ज़्यादातर लोग डिसीजन पूछते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। डिसीजन पूछिए, अगर आप खेल खेलेंगे तो या हारेंगे या जीतेंगे, नहीं खेलेंगे तो हार पक्की है। डिसीजन नहीं पूछा तो ये ज्वाइनिंग नहीं आने वाली है, ये कंप्लीट प्रोसेस। जब तक अगला बंदा आपको पैसा नहीं देता, आप उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन नहीं कराते, तब तक आपका काम अधूरा है। ये काम आपको कंप्लीट करना है। अगर आपका जो नया बंदा है, जिसका प्रोस्पेक्ट है, अगर आपके डाउनलाइन को ये नॉलेज नहीं है, तो ये काम आपको कंप्लीट करना है। इस बात को आपको पूरी तरीके से अपने माइंड में बिठाना है कि डिसीजन तो पूछना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि क्लोजिंग प्रोसेस डिसीजन पूछने के बाद जो ऑब्जेक्शन आता है वहाँ से शुरू होती है। अगर ऑब्जेक्शन ही नहीं आया तो आप उसे सोल्व नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन को सोल्व नहीं करेंगे तो ज्वाइनिंग होने वाली ही नहीं है। इसीलिए ये प्रोसेस कभी यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं होती, इस बात को आपको समझना है। मिस्टेक नंबर 6 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, वो है अपनी नीड दिखाना। अगर आपकी नीड उसको दिख गई कि आप उसे कैसे भी ज्वाइन कराना चाहते हैं, आपको ज्वाइन कराने की बहुत जल्दी है, आपको ज्वाइन कराने से बहुत फायदा है, आप उनको ज्वाइन कराना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, उनकी ज्वाइनिंग से आपको पैसा मिलेगा, तो किसी भी हालत में अगला बंदा, उसे कितनी भी ज़रूरत होगी इस बिज़नेस की, उसे कितनी भी ज़रूरत होगी आपके प्रोडक्ट्स की, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपको अपनी नीड नहीं दिखानी। रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है, कोई भी व्यक्ति आपकी नीड के लिए ज्वाइन नहीं होना चाहता। किसी को भी आपके फ़ायदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबको अपने फ़ायदे में इंटरेस्ट है, तो उसको जल्दी नहीं लगनी चाहिए। देखिए, एक तो एक मेंटालिटी होती है कि ये सेल्स वाला बंदा है, नेटवर्किंग वाला बंदा है, ये मुझे ज्वाइन कराएगा, मोटिवेट करेगा, ये बोलेगा ज्वाइन कर लो, तो वो पहले से उसका माइंडसेट होता है। और हम वही जल्दी अगर दिखाते हैं, और ये दिखाते कैसे, बातों में दिखाते हैं, हमारी हमारी एक्शन में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे शब्दों में, अरे सर ये सब छोड़िए आप बस ज्वाइन कर लीजिए, तो ये दिख जाता है। ये जो जल्दीपन है ये दिखना नहीं चाहिए। ज्वाइन भी कराना है और जल्दीपन दिखाना भी नहीं है। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको जल्दी भी होनी चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप डिसीजन लेके जाइए कि मुझे आज इनको ज्वाइन कराना है, तो वो मेंटली आप डिसीजन लेके जाइए, वो आपका मेंटल डिसीजन है, वो वहाँ पे दिखना नहीं चाहिए।
वो एक खुशी भी होगी, जैसे किसी ने बोला मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, तो वो खुशी आपको अंदर से होगी लेकिन वो चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए। किसी ने बोला मुझे नहीं करना आपके साथ, तो अंदर से आप दुखी होगे लेकिन वो चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। उसी हिसाब से आपकी नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगला बंदा जुड़े, आप चाहते भी लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए। ये एक परफेक्ट प्रोफेशनल सेल्समैन की निशानी है। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते, अच्छे सेल्स पर्सन बनना चाहते, अपनी नीड को आपको कभी नहीं दिखाना है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये जो 6 मिस्टेक्स है उनमें से कौन सी मिस्टेक आपको सबसे बड़ी मिस्टेक लगी कि हाँ ये गलती नहीं करनी चाहिए, या फिर कौन सी मिस्टेक आप खुद करते थे जो आज के बाद नहीं करेंगे, वो कमेंट में जाके ज़रूर बताइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप इस वीडियो से क्या सीखे और अगले किस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।